इसलिए कह रहे हैं नायंग आत्मा, जो पहले श्लोक मैंने कहा नायंग आत्मा प्रवचन लभो न मेधया न बहुनाश तेनो जमे वैसे वृणुते तेन लभ तस्स आत्मा विवृणुते तनु साम। भगवान कहां पर रहते आप बताओ, भगवान किसके हृदय में रहते? नाहं वसामि वैकुंठे न च जगिन हृदय च मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद ऋषि भगवान के पूछने लगे, हे प्रभु आप मुझे बताइए आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते कहाँ, आपके ठिकाना क्या है, एड्रेस, और योर एड्रेस, कहाँ रहते हो आप बताओ। तो नारद भगवान करने लगे, नारद सुनो मैं कहाँ रहता हूँ, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं सदा सर्वदा वैकुंठ में नहीं रहते, नाहं वसामि वैकुंठे न च जगन हृदय च, जगियों के हृदय में मैं नहीं रहता, तो कहाँ रहते हो? मद भक्त जत्र गायन्ति, मेरे भक्त विष्णु भक्त जहाँ पर मेरा कथा कीर्तन करते हैं, पर वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जहां पर कथा होती है वहीं पर स्वयं भगवान प्रकट हो जाते। राम कथा हो है? उस कथा में कौन आ जाते हैं, श्रोता कौन बनते, स्वयं हनुमान जी बैठ जाते, बोलो बजरंग बली की जय, हनुमान जी आ जाइए। जहां पर राम कथा होगी हनुमान जी आ जाए, कथा के प्रेमी है ना, है देखो। कृष्ण कथा हो कृष्ण प्रकट हो जाते, साक्षात कृष्ण बलराम है प्रकट हो जाते, जगन्नाथ जी के प्रकट प्राकट्य के प्रसंग में यह वर्णन किया गया है, देखो। इसलिए कहते नाहं वसामि वैकुंठे न च जगन हृदये च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान की कथा इसलिए, स्वयं भगवान सुनने के लिए तरसते रहते हैं, भगवत कथा इतने मधुर है। आइए कथा में व्यास नारद संवाद आप लोग ये श्रवण कराए, इसलिए ये स्वयं व्यासदेव जी ने समाधिस्थ होकर के कृष्ण की सारी लीलाओं को दर्शन किया, और दर्शन करके फिर ये श्रीमद् भागवत की कथा को जगत में प्रकट कराया है। और इसमें स्वयं व्यासदेव ने पुष्टिकरण कर दिया, एत जंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान सह, स्वयं कृष्ण अभिनंदन श्याम सुंदर, उस स्वयं भगवान है, राम निसिंह आदि उनके अवतार माना जाता है, रमादि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन ननावतारो मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण सं परम भक्त परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। देखो यहां पर मैं इसलिए इतने सब तक कथा सुनाया, ये छह प्रश्नों में जो है पहली प्रश्न के उत्तर दे दिया क्या है, हरि कथा श्रवण है पुरुष के एकांत मंगल की उपाय क्या है, ना श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण। द्वितीय प्रश्न यह था ये आत्मा किससे प्रसन्न होते हैं, जेनो आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न कोई भक्ति योग की पालन करे, कर्म ज्ञान योग आदि के त्याग दे करके भक्ति योग भक्ति पालन है। तीसरी प्रश्न जो था ये स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में किस कारण से आए है, और क्या क्या लीला आदि की, ये कथा जो है
हम आगे के दशम स्कंध में कृष्ण के जन्म लीला की कथा वर्णन करें, वो वर्णन करेंगे। और भगवान कृष्ण और बलराम के जो सुंदर लीला चरित्र को कथा में श्रवण कराइए, कृष्ण की अनेक जो है अवतार आदि की कथा, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह आदि कथा को हमें श्रवण कराइए, सारी कथा को हमें श्रवण कराइए। इतने सुंदर 25 अवतार की कथा जो है वो कथा श्रवण कराइए, बहुत सुंदर ही कथा है श्रीमद् भागवत में, लीला कथा अवतार आदि की कथा जो है। जयदेव यद्यपि जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में 10 अवतार के बारे में बताया है। पहले अवतार कौन से बताया? मत्स्य अवतार है। प्रलय प्रदिजलिधितवान शिवेदम भीत दयित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी पाद अपने सुंदर अमूल्य ग्रंथ में 10 अवतार को वर्णन किया। पहले अवतार कौन? मत्स्य अवतार है। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे है। उसमें क्या श्लोक है? प्रलय प्रयधि जलेधित बान शिवेद धीत वही चरित्र मखेद केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। वही जगदीश्वर स्वयं भगवान कृष्ण मत्स्य रूप धारण करके वेदों की जो है रक्षा आदि की है। बहुत सुंदर कथा है, ये प्राण की कथा है। मत्स्य कुर्म बराह है नृसिंह आदि की कथा है। इसलिए भगवान की सारे अवतार की कथा में श्रवण कराई, वो अवतार की कथा हम सुनना चाहते हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण जो जो सुंदर लीला विलास आदि की राशलीला आदि कथा वो भी श्रवण कराई है। जो परम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भक्त लोग जो ललायित होते हैं आकांक्षित होते हैं उसकी कथा सुनाई है। प्रेम क्या वस्तु। और छठवां प्रश्न क्या था? ये स्वयं भगवान इस धराधाम से जब चले गए उस दिन से ही कलिजुग प्रारंभ हुई। कलिजुग कब प्रारंभ हुई? जब स्वयं भगवान इस धराधाम से चले गए, दापर युग के अंत, और उस समय से कलिजुग प्रारंभ हुई। उस कथा में श्रवण कराई है। उस समय धर्म किसको आश्रय लिया? क्योंकि कलिजुग के मनुष्य कोई सदाचार नहीं है, कलेर दोष निधि, कलिजुग के मनुष्य के दोष दोष ही है। किसी के सद्गुण है? हाथ उठाई। दोष पड़ा हुआ है सब, कलिजुग के मनुष्य दोष दोष ही है। अपने दोष को ही देखना नहीं चाहते है? सब दूसरे की दोष देखने के लिए सब व्यस्त रहता है। जैसे स्टेनर है ना, क्या बोलते हैं, शिव जिसको कहते हैं, जिसे छलनी, छलनी समझते हैं, जिसे अनेकों जो है छेद रहता है, चावल गेहूं आदि छनते हैं ना है, वो बहुत छेद है, और सुई में कितना छेद होता है? एक है। उसको छलनी कहते हैं, ये सुई तुम्हारे पीछे छेद है, और अपना जो हजारों छेद उसको दिखाई नहीं पड़ता है,
बोले कलयुग के मनुष्य उसी प्रकार ही है, दूसरे के दोष देखता रहता है, गुण दिखाई नहीं पड़ता है, है? आप बताओ किसी के गुण देखता है? जो दूसरे के गुण देखता है वही उसी की कहा जाता है महान, कहा जाता है उसके साधु कहा जाता है। क्या बोला? साधु किसी को कहा जाते हैं जो दूसरे के कभी दोष नहीं देखते, केवल गुण ही गुण देखते हैं। इसके नाम कौन आज किसके नाम आ जाता है जानते हैं? थोड़ा भागवत सुन करके जाइए, युधिष्ठिर महाराज है। युधिष्ठिर महाराज के नाम भागवत में आ रहे हैं इसलिए है? अजात शत्रु, जैसे किसी को शत्रु नहीं मानते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज देखो दुर्योधन कहकर के कभी पुकारते नहीं थे, क्या बोलते थे? सुजोधन है। ये दुर्योधन दुशासन सौ भाई है, इन लोगों के कितने कष्ट दिया भीम को, छोटा थे भीम जब, उसके 20 दे करके मारने के लिए भी प्रयास किए है, महाभारत में कथा है सर देखो। युधिष्ठिर महाराज जानते थे ये दुर्योधन दुशासन ऐसे दुष्ट था, जब छोटे छोटे बच्चा था है, ये देखा भीम तो बहुत मोटा है, है? इसलिए भीम को मारने के लिए देखो दुर्योधन दुशासन जब छोटे थे 4-5 साल के थे, ये भीम को मारने के लिए भी बहुत प्रयास किए है, किंतु देखो युधिष्ठिर महाराज को भी दुर्योधन कहकर के नहीं पुकारे, क्या बोले? सुजोधन है, उनके सारे धन को छीन लिया दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्ण है, उनके कितने कष्ट दिया है देखो है। द्रौपदी की निर्वस्त्र करने के लिए कितने प्रयास किए उसी सभा में है, किंतु देखो युधिष्ठिर महाराज एक शब्द तक भी नहीं बोले है। आप बताइए, वो लोग छल कपट से दुर्योधन दुशासन शकुनी छल करके सारी उनके धन को छीन लिया है, देखो यह तक भी उनके भाइयों के भी है अपने दास बना ले, और अंत में पासे खेल में बड़े द्रौपदी की भी रख दो, और द्रौपदी की निर्वस्त्र करने के लिए कितने प्रयास किए, दुशासन तो कपड़ा खींचने लगे, 10,000 हाथी के बल हाथ में रखने वाले दुर्योधन दुशासन खींचने थक गए, असंग भगवान रक्षा किए गए। अच्छा तथापि देखो युधिष्ठिर महाराज एक शब्द तक भी उनके लिए प्रतिवाद नहीं किया, इसलिए श्रीमद् भागवत में आकर साधु न, साधु किसको कहते हैं? अजात शत्रु साधुन साधु भूषणम, याद है श्लोक है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात व शत्रु साधुनं साधु भूषणम, साधु की भूषण का अलंकार है। तितिक्षव कारुणिका शान की क्षमता है, कितने करुणा है, करुणा मन साधु के लक्षण बता रहे हैं है? साधु किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत कह रहे हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्व सर्वदेहिनाम, समस्त जीवों के प्रति मित्रता भाव रखते हैं, किसके शत्रु नहीं मानते, ये सारे गुण युधिष्ठिर महाराज में दिखा गया, हम नहीं करें भागवत में देखो पढ़कर स्पष्टीकरण कर, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु जिसे कोई शत्रु नहीं, किसी के शत्रु ही नहीं मानते है? महाभारत की कथा कितनी सुंदर है,
दुर्योधन, दुशासन, कर्ण है, ये लोग देखो पंच पांडव द्रौपदी के नीचा दिखाने के लिए जब ये लोग विमला कुंड में थे है, वहीं पर निकट में ये वहीं पर ये बना है, ये युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव के जो नीचा दिखाने के लिए वहीं पर बहुत उत्सव नृत्य गीत आदि कर प्रयास है। अब रामायण ये महाभारत देख है, विशेष करके भीम को सताने के लिए है, रिझाने के लिए, भीम तो खाने वाले हैं ना, सुंदर सुंदर भोजन व्यवस्था आदि किया है दुर्योधन दुशासन है। और ये लोग पंच पांडव भूखे पड़े रहे हैं, और उसी रात में नित्य गीदारी चल, दुर्योधन ने क्या कि दुष्ट दुर्योधन एक अप्सरा नारी को जो है पकड़ गया है, और उस समय वो समस्त जो किन्न आदि जो थे है दुर्योधन के बंदी बनाया है, और उसी में उनके विचार आदि करने लगे, इसको प्राणदंड दिया जाए जो परस्त्री के जो है अपमानित अपमान किया। देखो अच्छी किसको सुंदर कथा बता रहे हैं यार, ये दुर्योधन दुशासन कर्ण ये सब शराब पी करके मस्तक झूम रहे थे है? और उस समय और दुर्योधन के सेवक देवरक्षी युधिष्ठिर महाराज के पास आकर के कहने लगे, ये दुर्योधन अभी विपद में है, उसके रक्षा की। देखो उसी समय युधिष्ठिर महाराज भीम और अर्जुन के बोले, जाओ दुर्योधन के जो है मुक्त कराओ। आप सोच सकते हैं जो इस दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी की अपमानित किया, उनके सारे धन को हड़प लिया है, वही दुर्योधन दुशासन उनकी मुक्ति के लिए युधिष्ठिर महाराज किसको भेज रहे हैं है? अर्जुन और भीम के कारण जाओ उनको है। और उस समय भीम और अर्जुन उस स्थान पर गए है। कितना एक कितने महानता है, ये लोग तो भीम और अर्जुन जाना नहीं चाहते, बोले नहीं वो शत्रु है, किंतु देखो और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये देखो किसी भी प्रकार से हो वो मेरा तो भाई है, ऐसे संसार में हो सकते कि युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन के जो कभी शत्रु नहीं माने, भले ही दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के शत्रु मानते हैं, किंतु युधिष्ठिर महाराज कभी शत्रु नहीं। मैं इसलिए संक्षेप रूप में इसके उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए साधु के वचन कहा जाता है, साधु कभी किसी को शत्रु नहीं मानते, ये मेरा शत्रु है ये मेरा मित्र है, है? इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग में आ रहे हैं, साधु के वचन क्या अलंकार क्या है, है? ये पांच अलंकार है, तितिक छव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव साधु साधुनाम साधु भूषणम। इसलिए हम कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज की उदाहरण देंगे, ऐसे कोई साधु बन सकते हैं? हम तो कहते हैं साधु, साधु किसको कहा जाता है? देखो इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कलिजुग में मनुष्य के गुण कहाँ हैं, सद्गुण कहाँ हैं, है? कलेर दोष निधि राज, जीवों की दोष दोष ही है, गुण कहाँ है? भागवत में ये वर्णन होते जा रहे हैं, बहुत सुंदर कथा है। ये धर्म किसको किसको शरण लेते हैं, बोले
कृष्ण स्वधाम में चले जाने के बाद भागवत किसके शरण लिया, एक धर्म किसके शरण लिया, ये श्रीमद् भागवतम है प्राण और को उदितम है, ये श्रीमद् भागवत रूपी और को माने सूर्य उदित है, ये श्रीमद् भागवत के कोई आश्रय कर ले, कथा श्रवण करो बस, हम कुछ क्या कर सकते हैं है? कलिजुग में हम कुछ कर नहीं सकते, भक्ति भगवान कहते मेरे कथा सुनो बस है, थोड़ा बैठ जाओ बस। कलिजुग में सबसे कठिन क्या है, श्रवण, कथा श्रवण, और काम तो कर सकते हैं है? एक व्यक्ति झाड़ू लगा सकते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे, श्री महाराज नारायण महाराज कहते थे, आप झाड़ू लगा सकते हो, रस्सी बना सकते हो, जितने बड़े बड़े काम जो है आप कर सकते हो, 10 मिनट बैठकर हरि कथा सुनो तो क्या बोला, नींद आएगी, 1 घंटा कथा सुने बैठे नींद आ रही कि नहीं, नींद आ रही अभी आप बताओ, क्योंकि भाई देखो जहां पर हरि कथा होती है ना, वो जब महाराज के 4 लड़कियां अपने आप आ जाती है, तो सुने नहीं देंगी है? जहां पर हरि कथा होगी जब महाराज के कितने लड़कियां आ जाती है, 4 डॉटर्स जब महाराज आ जाती, कथा सुने नहीं तुम्हें देंगे, कान में घुसने देंगे है? एक बार स्वयं भगवान विष्णु ऐलान कर दिया, जो भागवत कथा सुनेगी वो मेरे धाम में आ जाएगी, कथा सुनते ही सभी लोग भागवत पाठ शुरू कर दिया है, और सारे गांव के लोग सारे गांव के लोग आना शुरू कर दिए कथा सुनने से। मृत्यु के बाद सभी लोग वैकुंठ धाम में चलने लगे, इतने पापी लोग सब वैकुंठ में चलने लगे, क्यों, भागवत कथा सुन लिया ना, पाप नष्ट हो जाते, लिखा है भागवत कथा श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते है, सुना कि नहीं सुना, क्या बोला, तो देखो सारे लोग मुक्त होकर जा रहे हैं। जम महाराज देखे तो उनके फैक्ट्री में कोई नहीं आ रहा, जम लोग में कोई नहीं आ रहा, जम महाराज दुखी तो हो गया, क्या करें है, एक तो लॉकडाउन के समय है भाई है, और फिर फैक्ट्री भी ताला पड़ गया, और इतने हमारे कर्मचारी है, पैसा कहां से देंगे, आमदनी हो तो देंगे ना है, एक तो लॉकडाउन के समय हो गया, दूसरी फैक्ट्री बंद है, और भी भगवान ने उस समय ऐलान कर दिया ये भागवत कथा, सब लोग भागवत कथा सुनकर वैकुंठ में जा, जब महाराज बोले क्या करें, दुखित हो गए, उस समय जन महाराज ये 4 लड़कियां आई, कहे पिताजी क्या बात हुई, बोले ऐसे ऐसे बात हुई, भगवान विष्णु ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, जो भागवत कथा सुनेंगे वो वैकुंठ में जाए, सब लोग जा रहे हैं, मेरे फैक्ट्री में कोई नहीं आ रहा है, जब महाराज लड़के बोले एक भी की कथा सुने नहीं दूंगी, बोले कैसे, जहां पर भागवत कथा होगी ना हम 4 लड़कियां अपने आप पहुंच जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ते, इन्विटेशन है, पेपर देना नहीं पड़ेगा, ये लिखते हैं ना यहां पर भागवत कथा हो रही है, कितने पोस्टर होर्डिंग लगा देते हैं है? बोले ये हम कुछ नहीं करेंगे है? जहां जहां पर कथा होगी हम 4 बहन पहुंच जाएंगे, और बात ही सही है, कथा सुर प्रारंभ हुई श्रोता सो जाएंगे, एक है श्रोता और एक है सरोता और एक है श्रोता है, एक है क्या श्रोता सो जाएंगे, बस कथा प्रारंभ हुई और वो सो गए है, वो है श्रोता, और दूसरी है क्या बताया, सरोता, सरोता समझती है, वो सुपारी काटने वाले जो मशीन होते हैं ना ऐसे करते है, सुड़ी सुपारी काटते हैं ना उसको है, वो भी सरोता का, जहां पर कथा होगी ना उनके कथा के साथ कोई मतलब नहीं है, जब माला भी लगा हाथ में ले लेकर के बैठ जाएगी बस, और अपने इधर वक्ता कथा शुरू करेंगे, वो अपना वक्ता अपने कथा पीछे शुरू कर दे,
कथा कहाँ सुन पाई। और एक होता है श्रोता, जो वास्तव जो है एकांत तो मन में स्थिर चित्त होकर सोते श्रवण करते हैं। इसलिए कर सुन्नतां सकतां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जपद्राणी विदुर्दि सुइद सतां नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्तं भागवत श्रवणं है। सुनो कान से भागवत कथा, कान से इधर से आएगा अंदर में जाएगा। आइए कथा में आगे, हम थोड़ा कीर्तन हो जाए है, बहुत समय हो गया है, डेढ़ घंटा हो गया है। कितने आप लोग ने तपस्या किया, थैंक यू है, रात हाथ ताली कीर्तन हो जाए। इसके बाद आगे थोड़ा करके फिर आज के सत्र विश्राम देते।
Oh,